बताना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि आप लोग काफ़ी सवाल कर रहे थे भर्ती को लेकर, क्या भर्ती रद्द हो गई। हालांकि मैंने इसके बारे में कल ही आपको पूरी डिटेल दे दी थी लाइव में, और ये भी बताया था किस तरीके से अब आगामी समय प्रोसेस होनी है। लेकिन आप लोगों के सवाल काफ़ी थे कि सर क्लियरिफिकेशन करिए, अभी भी आपके सवाल हैं, डाउट हैं, तो आज हम क्लियरिफिकेशन कर देंगे, चिंता मत करिएगा। तो सभी लोग वन बाई वन करके जुड़ जाइएगा, फिर उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं खेला। हाँ जी, खेला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, खेला होवे आप लोगों ने सुना होगा, खेला होवे कहाँ का डायलॉग है, किस राज्य का डायलॉग है, जरा कमेंट में बताइए। थोड़ा हम आपकी जीके को भी परख लेते हैं, जनरल नॉलेज को भी परख लेते हैं। जनरल नॉलेज से याद आया कि हम आपको जो है जो भी अभ्यर्थी हैं और नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो वो UP SSC लेटेस्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वहाँ पर आपसे आपको बता दूँ लाइव ही, इसके बाद ही लाइव आपको वहाँ पर एजुकेशन से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई, PET से जुड़ी हुई, प्रमोशन से जुड़ी हुई खबरें, जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ UP SSC लेटेस्ट न्यूज़ चैनल, उसकी लिंक भी कम्युनिटी बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, तो करना चाहिए सब्सक्राइब, तो आप कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों की खबरें दी जाती हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही है कि देश के प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन का जो है वेतन बढ़े, उन्हें कम से कम जो है 18,000 वेतन मिले, ये हमारा लक्ष्य है। और किसी पार्टिकुलर उत्तर प्रदेश के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, आपकी समस्याओं को नहीं बताता हूँ। मेरा टारगेट देश के प्रत्येक राज्य की आंगनबाड़ी बहन का, ऐसा ऐलान केंद्र सरकार करे कि सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज से 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय हो गया है, उस दिन मुझे खुशी मिलेगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि प्री प्राइमरी टीचर के तौर पर इनको दर्जा दिया जाए, ताकि वेतन भत्ते सब कुछ मिलने लगे। लेकिन कम से कम अगर उतना नहीं हो पा रहा है, सरकार कह रही है कि हम वेतन भत्ते तो नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम न्यूनतम महंगाई के हिसाब से 18,000 रुपये वेतन कर देना चाहिए। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यश लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं देखता हूँ कि लाइव में आप लोग काफ़ी कम जुड़ते हैं, इस चैनल को रिस्पांस काफ़ी कम दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी करके नहीं रखते हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको साथ समय जो है खबरें मिलती रहें। चलिए ठीक है, अब लौटते हैं मैन अपने टॉपिक पर। जी हाँ, देखिए इस समय काफ़ी चर्चाएँ चल रही कि उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ रद्द हो गई हैं या फिर नहीं। आप लोगों के अंदर भी काफ़ी सवाल आ रहे होंगे, हाई कोर्ट का फैसला क्या आया। देखिए फैसले के बारे में मैंने पूरी डिटेल दे दी है आपको कल ही, और इसी के साथ ही ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर जो फेसबुक पर जो है पेज बना हुआ, उसमें भी हमने हाई कोर्ट का जो आदेश था कल ही डलवा दिया था, तो उसमें आप फेसबुक पेज पर जुड़े होंगे तो आप लोग चेक कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से आपको डिटेल बता देते हैं। देखिए दरअसल हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट का फैसला हम शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि आपको जो है मेन जानकारी होना चाहिए। हाईकोर्ट की भाषा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, आपको मालूम है कोर्ट की भाषा है तो वैसे भी डिफिकल्ट होती है। तो फैसला क्या हुआ इन शॉर्ट बताते हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया है, पहले तो पूछा है कोर्ट ने, जो सरकारी वकील है उनसे पूछा है कि बाकी में EWS का प्रावधान था आपके शासनादेश में, नहीं था। जिस पर जो है सरकारी वकील ने कहा हाँ भाई प्रावधान तो था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब जनवरी फरवरी से आए जब शासनादेश इनका जारी हुआ था लेटर, उसमें EWS का लिखा था। अगर उसमें नहीं लिखते कि भाई हम नहीं दे रहे हैं, पहली बात ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार ने मान्यता दे दी है ना, और 2020 में आरक्षण लागू हो चुका है, तो इसके बावजूद भी ऐसा कर नहीं सकते थे। जब शासनादेश में लिखा है, इन्होंने कोर्ट में भी स्वीकार किया, तो इतना कोर्ट ने कहा है कि भाई EWS का आरक्षण होना चाहिए। अब सरकार कैसे व्यवस्था करे इसके बारे में जो है 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, यानी कि 28 दिन बाद सुनवाई होगी, और फैसला दे, और इसी के साथ ही जो है 3 सप्ताह के यानी 21 दिन का समय दिया जवाब प्रस्तुत करें, और इसी के साथ ही 28 दिन बाद जो है सुनवाई होगी। लगातार इस पर कोर्ट जो है संज्ञान में किए मामला। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सरकार इन भर्तियों को रद्द कर देगी, मतलब जो फार्म लिए गए उनको कैंसिल करके नए सिरे से EWS का आरक्षण निकालेगी फिर भर्ती करेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड। कल भी मैंने आपसे कहा था जब तक सरकारी ऑफिशियली लेटर नहीं आ जाता तब तो मैं आपको कुछ ही बताने में सक्षम नहीं, सिर्फ हाईकोर्ट का फैसला तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या उन्होंने कहा है सुनवाई के दौरान, लेकिन सरकार का पक्ष अभी तक नहीं आया है। सरकार क्या कहती है? अगर सरकार की तरफ हम गौर किया जाए तो हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि असर इसलिए नहीं पड़ रहा है, हम देखिए अभी देख रहे हैं कि साइट पर कोई भी ऐसा ऑफिशियली लेटर तो आया नहीं है, लेकिन वैकेंसियां जो फिलहाल देखिए बलरामपुर, फरक्काबाद, गोरखपुर, कासगंज, कौशाम्बी, मथुरा और श्रावस्ती, यहाँ पर सभी जगह चल रही हैं। यानी कि अगर सरकार की मंशा होती कि हाँ इनको कैंसिल करना है, रद्द करना है, तो ये भर्ती हटा सकते थे, या हो सकते एक दिन बाद हटा लें। तो जैसे ही कोई परिणाम आता है सरकार की ओर से, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। लेकिन कोर्ट का क्या फैसला था वो मैंने आपको बताया, सरकार क्या कर रही है अभी तक वो मैंने आपको बताया, सरकार क्या अपडेट देगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, कमेंट में अपने अपने जो है क्वेश्चन सवालों को आप रख सकते हैं।